मज़ेदार सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एंड फ्लफी टूटी फ्रूटी कपकेक्स। इनका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेनिला टूटी फ्रूटी कपकेक्स या मफिन्स। इन्हें ओटीजी में कैसे बेक किया जाता है, इसकी प्री हीटिंग सेटिंग्स, बेकिंग टाइमिंग, टेम्परेचर डिटेल्स में मैं आपको दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भाविका किचन क्लासेस। मैं हूं शेफ भाविका चावला। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है एक बोल। इसमें हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा जो है 200 ग्राम्स। यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ये मैं ले रही हूँ बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम सीव कर लेंगे। और इसी में मैं डाल दूंगी, ये मैंने लिया है मिल्क पाउडर, जो एवरीडे का मिल्क पाउडर आता है वही मैंने लिया है। और बाय वेट ये है 180 ग्राम्स। बेकिंग करने के लिए आपको वेइंग मशीन लेना कंपलसरी है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको वे करके ही लेने हैं और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपको अच्छे तरीके से सीव करने हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और बोल लिया है, इसमें हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ पाउडर्ड शुगर जो है 180 ग्राम्स, और उसमें हम ऐड करेंगे, ये मैंने लिया है 100 ml ऑयल। अब ये विस्कर हम यूज़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन के रेडी हो जाए। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने लिया है रूम टेम्परेचर मिल्क और ये मैंने लिया है 200 ml। थोड़ा मिल्क हम अभी ऐड करेंगे एंड थोड़ा मिल्क हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे। तो अराउंड हाफ क्वांटिटी मैं अभी इसमें डाल देती हूँ और इसे अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसे हम पार्ट्स में ऐड करते जाएंगे। अराउंड 3 पार्ट्स में हम इसे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। फिर थोड़ा सा मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे। अगेन हम इसमें ड्राई मिक्सचर ऐड करेंगे सेकेंड टाइम। फिर से थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। इसी प्रोसेस से आपको कंटिन्यू करना है।
ये देखिए मैंने मिल्क पूरा इसमें ऐड कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी ये मिक्सचर मुझे काफ़ी ड्राई लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा मिल्क और ऐड कर सकते हैं। मैंने अराउंड 100 ml मिल्क और एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन हम दो दो टेबलस्पून करके डालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनल कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क इसमें ऐड किया। इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लूइडी या रनी कंसिस्टेंसी नहीं है, इस तरीके का आपका बैटर होना चाहिए। सो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी, एज हम बना रहे हैं टूटी फ्रूटी कपकेक्स, तो ये मैंने ली है 150 ग्राम। वैसे आपकी चॉइस है, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये थोड़ी सी मैंने रख दी है ऊपर से, जब हम गार्निश करेंगे कपकेक्स को ली उसके लिए मैंने इसे रखा है। सो ये मफिन ट्रे मैंने ली है और इसमें मैंने ये पेपर लाइनर्स लगा दिए हैं, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं किसी भी बेकरी टूल्स की शॉप पे। इसे कोई ग्रीसिंग वगैरह नहीं करना, सिर्फ ये पेपर आपको इसमें डालना है। और अब ये बैटर हम इसमें धीरे धीरे पोर करते जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने OTG को रखा है प्री हीटिंग के लिए 180 डिग्रीज टेम्परेचर, बोथ रॉड्स ऑन, फैन ऑन, एंड इसे मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीटिंग के लिए रखा है। यहाँ पर मैंने ये स्कूपर लिया है, इस स्कूपर से आप बैटर इसमें भरते जाएंगे। और आपको इसे हाफ फिल ही करना है, बहुत ज्यादा फिल नहीं करेंगे। हल्का सा इसे टैप कर लेंगे और अब थोड़ी सी ऊपर से गार्निश करने के लिए हम डाल देंगे टूटी फ्रूटी। तो हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है, मैंने आपको प्री हीटिंग सेटिंग्स दिखाए हैं। तो चलिए अब इसे रखते हैं बेक करने के लिए। इसे हम रख देंगे ओवन में 180 डिग्रीज टेम्परेचर, बोथ द रॉड्स ऑन, फैन ऑन, टाइमिंग 30 मिनट्स। सो ये देखिए कितने मजे के बेक हुए हैं हमारे टूटी फ्रूटी कपकेक्स, कितना अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। सो मैंने इन्हें ओवन से निकाल लिया है, तो देखिए आप देख सकते हैं कितने मजे के बने हैं ये कपकेक्स, टूटी फ्रूटी कपकेक्स। आप इसकी जाली देख सकते हैं कितने अच्छे से बेक हुए हैं, काफी गर्म है ये। और कितने सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी जालीदार। सो इसे जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसे बने। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।